दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टैको भारत। तो दोस्तों आज एक नए मुद्दे पे बात करेंगे, एक नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आपके लिए है और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जो लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, प्लस लोकली जो ट्रांसपोर्ट में जुड़े हुए भी हैं, इवन जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, अपना व्हीकल यूज़ करते हैं, उनके लिए भी ये कंबाइंड इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों वो क्या इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, तो इस वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल जाए और आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से नॉलेज हो जाए उस इन्फॉर्मेशन की, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा कि लॉकडाउन के प्रोसेस में जो भारत बंद है पिछले मार्च से और अभी भी बंद है, तो जिसके कारण कोई भी गवर्नमेंट काम हो नहीं सकता, कोई भी ऐसा कोई काम करना चाहे सरकारी काम वो हो नहीं सकता। वो बेशक से आपका DL हो, गाड़ी की RC हो, गाड़ी का परमिट हो, फिटनेस हो, XYZ कुछ भी हो, वो कुछ भी इसमें आप नहीं करा सकते। तो दोस्तों ये खबर उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिनका 1 फरवरी और 30 जून के बीच, यानी कि 1 फरवरी 2020 से 30 जून 2020 में किसी का ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की RC, फिटनेस, इंश्योरेंस, परमिट कोई भी एक्सपायर हो रहा होगा, उसको 30 जून तक वैलिड माना जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, 30 जून तक वैलिड माना जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जगत में ये सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि फरवरी से जून के बीच में अगर कोई परमिट एक्सपायर हो जाता है, कोई फिटनेस एक्सपायर हो जाती है और इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है, तो उसका जो हर्जाना है, जो पेनल्टी है, वो देनी पड़ सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये नियम निकाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 मार्च 2020 को एक एडवाइजरी जारी करी और सभी स्टेटों को ये एडवाइजरी अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया है कि ये एडवाइजरी अपने अपने शहरों में इम्प्लीमेंट की जाए, जिससे ट्रांसपोर्ट जगत में जो लॉकडाउन के प्रोसीजर में लोगों का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से वो बच सकें। ये एडवाइजरी जारी की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इंडिया ने, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल पुलिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मीन्स कि ये जो तीन महकमे हैं जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, इन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी करके बताया है कि आपको ये नियम लागू करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो अपने डॉक्यूमेंट को रिन्यूअल करा सकें। इसमें मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जिसका 1 फरवरी और 30 जून 2020 के बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट जो व्हीकल से रिलेट करता हो, जैसे लाइसेंस, RC और परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस, इन सब की वैलिडिटी 30 जून तक मानी जाएगी। यानी कि जिसका 1 फरवरी को ख़त्म हो रहा हो या मार्च में ख़त्म हो रहा हो, उसकी वैलिडिटी 30 जून तक मानी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी राहत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लोगों के लिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। इवन इसकी ये एडवाइजरी उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया, जो प्राइवेट लाइसेंस पे अपनी गाड़ी चलाते हैं। मान लीजिए किसी की गाड़ी की RC या लाइसेंस 1 फरवरी 2020 से और 30 जून 2020 में एक्सपायर होता है, तो उसकी वैलिडिटी भी जून 2020 मानी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है ट्रांसपोर्ट विभाग को, कि किस तरीके से आपके जो डॉक्यूमेंट इनवैलिड हो रहे हैं, एक्सपायर्ड हो रहे हैं इस ड्यूरेशन पीरियड में, तो वो 30 जून तक 2020 तक वैलिड माने जाएंगे, इसके बाद ही आप उनको रिन्यूअल करा सकते हो। तो ऐसा कोई भी डरने का या कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो 30 जून तक वैलिड माने जाएंगे इस लॉकडाउन के चलते, क्योंकि सबको पता है कि लॉकडाउन के बीच में कोई भी काम
हो नहीं सकता है। तो इस बीच में जिनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए हैं तो वो कहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को वैलिड कराएंगे, रिन्यूअल कराएंगे। तो इसलिए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके ये सिद्ध कर दिया है, ये डिफाइन कर दिया है कि उनके डॉक्यूमेंट इस वैलिड डेट तक माने जाएं, जिसके बाद वो अपने डॉक्यूमेंट को रिन्यूअल कराएं। और ये लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम है उससे घबराने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।